हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे काले मसूर की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो ये दाल हर घर में बनाई जाती है, कोई नया नहीं है, लेकिन एक बार आप सब मेरे तरीके से भी बना के देखना जरूर, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। इसके लिए मैंने एक कप काले मसूर की दाल को 2 घंटे से भिगो के रखा था, कुकर में ऐड कर दूंगी। और मैंने जिस कप से मसूर दाल लिया था उसी कप से 1/4 कप अरहर की दाल ले लिया है, उसको भी धो के अच्छी तरह से वॉश करके कुकर में ऐड करना है। अब मैं इसमें 3 कप पानी ऐड करूंगी। जिस कप से मैंने दाल लिया है उसी कप से पानी ऐड करना है, और डिपेंड करता है दाल आप चपाती के साथ खाना चाहते हो या राइस के साथ। जितना दाल को आप थिक रखना चाहते हो या पतला रखना चाहते हो उसी हिसाब से पानी ऐड करना है। फिर मैंने इसमें नमक और हल्दी ऐड कर दिया, और नमक हल्दी ऐड करने के बाद 3 से 4 व्हिसिल आने तक दाल को पका लेना है, या तब तक दाल को पकाना है जब तक दाल अच्छी तरह से गल नहीं जाता। पैन में सरसों का तेल ऐड करना है, आप चाहो तो कोई भी अपने पसंद का तेल ले सकते हो। फिर मैं 2 तेजपत्ता और 4 सूखी लाल मिर्च ऐड कर दूंगी। तड़का क्रैकल हो गया है तो मैंने 1 बड़ा प्याज बारीक कट करके लिए है, उसको ऐड कर दूंगी। प्याज को थोड़ी देर सॉटे करना है। फिर मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट लिए हैं, पेस्ट को ऐड करना है, और लहसुन के कच्चापन के हटने तक सॉटे करना है। अब मैं 1 टीस्पून जीरा इस तरह से साइड में स्पेस बना के ऐड कर दूंगी, और उसको 1 मिनट तक सॉटे कर लेना है। फिर लहसुन और प्याज के साथ मिक्स करके सॉटे करना है। अब मैंने यहाँ पर 2 बारीक टमाटर कट करके लिए हैं, ऐड कर दूंगी। फिर नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करना है। दाल में मैंने ऑलरेडी नमक ऐड कर रखा है तो नमक यहाँ पर थोड़ा कम लेना है। फिर मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी, और एक बार अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर टमाटर के अच्छी तरह से गलने तक पका लेना है। टमाटर अच्छी तरह से गल गया है तो मैंने जो दाल बॉईल करके रखा था उसको ऐड कर दूंगी। दाल ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर मैंने यहाँ पर 4 से 5 ग्रीन चिली लिए हैं, जिसको ऐड कर दूंगी। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद मैंने 1 टीस्पून घी ऐड कर दिया है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर दें। घी ऐड करने के बाद एक बार मिक्स करना है। फिर ढक के इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पका लेना है, और तकरीबन 5 मिनट तक दाल को पका लेने के बाद ये देखिए दाल बिल्कुल तैयार हो गया है। लास्ट में मैं धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी, और ढाबे वाली मसूर की दाल तैयार हो गई, जिसे आप लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी, चपाती, राइस, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और मेरे आने वाली रेसिपीज के लिए बेल बटन दबाना न भूलें।